देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या, ये तो सो गए हैं। मैं इन्हें पान कैसे खिलाऊंगी? उठाऊं क्या? नहीं, रहने देती हूँ। अगर ये गुस्सा हो गए तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी इनकी। दीदी कहती है पति की सेवा करनी चाहिए, सर दबा देना चाहिए, पान बना देना चाहिए। मेरी ही गलती है, मैं क्यों इतनी देरी से आई? अब ये सो गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सब मुझे ही कहेंगे कि मैं बुरी हूँ, अशुभ हूँ। कौन तुम्हें क्या कहेगा? बुरी, अशुभ, कौन कहेगा बताओ तो? ओ माँ, आप सोए नहीं हैं? सोने का नाटक करके मेरी बातें सुन रहे थे आप, है ना? सोने तो और क्या करूं? कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें तो इस कमरे में आना ही नहीं है। मैं शेर हूँ क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा? अकेले बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मजबूरन सो गया था। क्या करूं बताइए? दीदी तो अकेली थी, दीदी को छोड़ के आ सकती थी क्या? वैसे दीदी ने कमरे में जाने को कहा था, लेकिन मैं तो समझती कि दीदी के दिल में क्या है। जब आप मेरे पास नहीं थे ना, तब मुझे भी क्या लगा था तुम्हें बताओ? मुझ पर गुस्सा आया था ना, ये जो तुम्हें अकेला छोड़कर घर से बाहर निकल गया था, तुम्हें ऐसा लगा था ना कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा? सच बताऊं, मुझे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, इसलिए आप मुझे छोड़कर दूर चले गए हैं। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने क्या गलती की। आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर मैंने कोई गलती भी की तो आप मुझे डांटेंगे, पर आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वादा कीजिए मुझसे। रानी, इस देश में पुरुष बनके जन्म लेना कितने सुख की बात है, कितना सौभाग्य है। अन्याय करो, अविचार करो, अत्याचार करो, फिर भी सात खून माफ, कारण वो पुरुष है। रानी, ये जो कुछ दिन पहले तुम्हारे और मेरे बीच हुआ था, वहां तुम मुझे दोषी ना मानकर खुद को ही दोषी मान लिया था। रानी, तुम्हें तो खुद भी पता नहीं है कि तुमने क्या दोष किया था, फिर भी बिना किसी संदेह के खुद को दोषी मान लिया। एक बात बताओ रानी, इस तरह खुद को कभी भी एक तरफा दोषी मत समझना। और तुम्हारे जो ये आंसू है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप पान खाएंगे? मैंने अपने हाथों से बनाया है। भाभी ने तुम्हें अच्छी तरह से पान बनाना सिखाया है क्या? Oh।
दीदी ने कहा है कि मैं आपकी सेवा आपकी सेवा करूं, जिससे कि जिससे तुम्हारी गोद भर जाए। क्यों, सही कहा ना? दूसरों की बात छोड़ो रानी, बताओ तुम क्या चाहती हो? भाभी ने तुम्हें ऐसे ही कोने में खड़े होने के लिए सिखाया क्या? खड़े होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। छोटी बहू की दया से इस बार बच गए हैं, लेकिन इस गांव में ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। गीदड़ की नजर पड़ी है, मरना पड़ेगा। अरे बाप दादा की जमीन छोड़ के जाऊं कहां? क्या करने को कह रही हो तुम? नील की खेती अग्रिम ले लूं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग धान की खेती करते थे, वही करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? अरे सिर्फ खेती करने से क्या होगा? साहब खेत जला देंगे या तो भंडार लूट लेंगे। गांव के और 5 लोग अगर मेरा साथ देते तो मुझे डर नहीं लगता दुर्गा, मुझे डर नहीं लगता। गांव के लोग बहुत डरपोक हैं। तो फिर डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? उनका क्या दोष? खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, साहब की लाठियों की मार सहेंगे कैसे? सब लोग आपके जैसे नहीं है। उन सब को तेरी जैसी एक दुर्गा चाहिए, समझी? क्या कह रहे हैं आप? वो क्या है? आग, आग! ये जरूर उस नीलकर साहब का काम है। ओ दुर्गा, तुम यहां क्यों चली आई? नदी के किनारे चले? वो देखिए, वो वहां पे क्या है? क्या लगता है? कहीं पर आग लगी है। वहां पे तो दुर्गा का गांव है ना? लगता तो वही है, लेकिन वहां पे दुर्गा का गांव है ये तुम्हें कैसे पता? पता है ना, दुर्गा और दुर्गा के पति तो उसी दिशा में गए थे। उनका घर वहां नहीं होता तो वो उस दिशा में क्यों जाते? वाह, तुम्हारी बुद्धि तो कमाल की है। जब तुम में इतनी बुद्धि है तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लो ना। पढ़ाई लिखाई सीखने पर कितनी सुविधाएं, पता है तुम्हें? आप
फिर से पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आप क्या चाहते हैं कि मैं परेशान हो जाऊं? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। इस दुर्भाग्य देश में स्त्री शिक्षा का प्रचार कैसे होगा? इतने अंधविश्वास को संस्कार से निकल के इस समाज को रोशनी दिखाना आसान बात नहीं है। और अगर लड़कियों के मन में शिक्षा की रोशनी ना जले तो उस समाज की उन्नति कभी नहीं होगी और वो समाज डूब जाएगा अशिक्षा के अंधकार में। अरे कितना नुकसान हो गया है तेरा। ये तो बहुत क्या कर रही हो दुर्गा, जल के मर जाओगी। सब खत्म हो गया, तुम सब खड़े क्यों हो? कोई कुछ करो, सब खत्म हो गया। दुर्गा, दुर्गा कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं आग बुझाऊंगा, मैं आग बुझाऊंगा। तुम लोगों से बार बार कहा है, या तो नील की खेती करो या फिर फांसी से मरो। तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। आखिरी बार बता रहा हूं, उसे मान लो वरना। जिद मत करो महेश, जिद मत करो। तेरा घर बार सब कुछ जल चुका है, फिर भी तुझे शिक्षा नहीं मिली। सुन, सुन मेरी बात सुन। जो होना है हो चुका है, अरे तेरा घर फिर से बन जाएगा। ज्यादा सोच मत, अपना फायदा देख, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर प्राण ही नहीं रहे तो जमीन बोएगा कौन? ले पकड़, पकड़ 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 पकड़। कह दो इस गांव में हर कोई नील की खेती करेगा, लेकिन ये दुर्गा कभी भी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। जरूरत पड़े तो मर जाऊंगी। कौन जिंदा है, कौन जिंदा है यहाँ पर? सब लोग मर चुके हैं यहाँ। अरे दुर्गा, दुर्गा और रुकावट मत बन, अब मान ले। और अकेले कितना लड़ेंगे हम, कितना लड़ेंगे? मर जाओ, जरूरत पड़ने पर मर जाओ। बिना हारे सर झुका के जीने से अच्छा है सर उठा के मर जाना बेहतर। जो सर झुक जाए वो सर काट देना चाहिए। जाओ साहिब जाओ, जो करना है करो, मारो पीटो घर जलाओ। जब हमने कहा है कि नील की खेती नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। ये बेटी हमारी माँ है, इसे बांझ बनने नहीं दूंगी मैं। इसे कहते हैं औरतों की बुद्धि। तूने आज अपना कितना बड़ा नुकसान किया है पता है दुर्गा? ये तू खुद भी नहीं जानती। साहब तुझे नहीं छोड़ेंगे अब।
सुनिए जी, यहाँ थोड़ी देर रुक नहीं सकते? कितनी सुंदर जगह है ना। पालकी रोको। क्या हुआ? अगर तुम रुक गई हो तो जाओ आसपास थोड़ा घूम आओ। मैं सरदार से कह देता हूँ कि हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। सरदार जी। छोटे मालिक, तुम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लो, जाओ। सभी लोग विश्राम करो। मानिकपुर गांव पहुंच गए हैं। मेरे साथ आपको और बहुत कुछ दिखाती हूँ मैं। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। रानी, सरदार जाओ देखो। रुको सरदार, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इसके साथ अकेले जाऊंगी। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो दुर्गा? मैं देखूंगी। पहले से ही समझ गई थी कि दुर्गा ठीक नहीं है, पर मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। किससे इतना डर रही है वो? किससे?